हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम बैक। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइवल। तो पहले देखते हैं चैप्टर का मतलब क्या है। चैप्टर हमें बता रहा है कि एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, उनके बारे में क्या स्टडी करने वाले हैं। द सेकेंड पार्ट इज लिविंग एंड सर्वाइवल, क्यों वो कैसे जीते हैं और कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लिविंग एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। So look at introduction in your chapter. A plant or an animal adapts or changes itself to suit its surrounding or a particular way of life. This process is called adaptation. Adaptation का मतलब क्या है कि जो भी plant या फिर जो कोई भी animals हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो आदतें हैं जो वो adopt करते हैं, किस वजह से, उनकी surroundings की वजह से। जैसे उनकी जो surroundings होती हैं उस वजह से वो वैसे एडेप्शन आ जाते हैं उनमें, वैसे के वैसे एक्सेप्टेंस आ जाती है। वो क्या, सब देखिए, जैसे कैमल है, सो कैमल डेजर्ट में रह सकता है, गर्मी में रह सकता है। और अगर आप बात करें बियर की, तो बियर कोल्ड एरियाज में रहते हैं। सो जिस हिसाब की उनकी सराउंडिंग होगी वो उसी तरह से खुद को क्या करते हैं, एडेप्टेशन में ले आते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। सो दिस हेल्प्स देम टू सर्वाइव, द एडेप्टेशन हेल्प्स देम टू कम्फर्टेबली लिव कम्फर्टेबली एंड सेफली। द होम नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द लिविंग बींग इज कॉल्ड हैबिट। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो एडेप्टेशन है ये किस में हेल्प करती है। अगर कोई अडेप्ट करता है उस चीज़ को, अगर बियर जो है वो कोल्ड एरियाज में रहना अडेप्ट कर लेता है, सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू लिव फॉर बियर इन दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग कम्फर्टेबली एंड सेफली, कि वो कम्फर्टेबल होकर, सेफ होकर वो उसी सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाएगा। अगर वो अडेप्ट नहीं करेगा तो वो जल्दी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, सो हैबिट्स की यहाँ पे डिफाइन हमें दे रखी है, द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द लिविंग थिंग इज कॉल्ड हैबिटेट। सो हैबिटेट क्या होता है, जिसकी नेचुरल जो एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो रह रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, हैबिटेट बोल देते हैं। उसकी सराउंडिंग जिसमें वो सर्वाइव कर सकता है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। एनिमल्स कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। अब देखिए हैबिटेट के ग्रुप के मीन्स कि कौन सा एनिमल कौन सी जगह पे रह सकता है, हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं कैटेगरीज में। सो देर आर द कैटेगरीज 1, 2, 3, 4 एंड 5, कि 5 कैटेगरीज हम उसे डिवाइड करते हैं। सो आज देखते हैं हम यहाँ पे हम इसमें से कौन से करने वाले हैं। सो फर्स्ट जो हम आज करने वाले हैं वो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कि ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। सो हैव आई क्लियर टू यू? ओके, सो नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर हॉर्स, रैबिट, स्नेक, लिजर्ड, बियर, टाइगर एक्सेट्रा। मोस्टली एनिमल्स जो आप लैंड पे देखते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और लैंड एनिमल्स बोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट आर सच एग्जांपल्स हैव such animals have legs to walk or run on the ground and lungs to breathe. They also have well developed nervous system and sense of organs to sense the changes in their surroundings. कि अब देखिए जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं उनके पास में क्या होता है, ऑब्वियसली लेग्स होती हैं जिससे वो क्या करते हैं, चल सकते हैं, और इवन दे कैन रन ऑल्सो। ओके, सो दे कैन वॉक एंड रन ऑल्सो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मीन्स जिनका नर्वस सिस्टम मीन्स उसको सेंसिबिलिटी के हिसाब से चेक करने वाले सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। मीन्स इफ यू टच एनीथिंग यू गेट फील, है ना, कि आप उसको क्या कर पाएंगे, फील कर पाएंगे। सो दैट मीन्स वॉट, दैट मीन्स द एनिमल हैव वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, कि जो उनकी सराउंडिंग्स में जो कुछ भी चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी सराउंडिंग में कोई चेंज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं ना, है ना। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेंसिंग ऑफ सराउंडिंग्स, और यू कैन से वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, की हर चीज को वो क्या कर सकते हैं, चेंज को फील कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज एनिमल्स लाइक स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स, कि अब जैसे लैंड एनिमल्स है स्नेक्स, स्नेक्स जो है लैंड पे रहते हैं, सो दे ऑल्सो डोंट हैव लेग्स, बट इन प्रीवियस व्हाट वी हैव डन, दे हैव लेग्स। हॉर्स है, हॉर्स के पास में लेग्स होती हैं, काउज हैं इनके पास में भी लेग्स होती है, बियर्स के पास में भी, टाइगर्स के पास में भी होती हैं, तो इनके पास में लेग्स होती हैं। पर जो ऐसे टेरेस्ट्रियल एनिमल जिसके पास में लेग्स नहीं होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं,
snake. So snake is example of the terrestrial animal which don't have legs. So it will crawl. Crawl का मतलब क्या होता है? C-R-A-W-L. Crawl का मतलब होता है रेंगना. So snakes just crawl. You can see कि अगर आपने स्नेक देखा तो वो सिर्फ क्रॉल करता है. वो वहाँ पे क्या नहीं कर सकता, वॉक नहीं कर सकता. इट कैन क्रॉल बिकॉज इट डोंट हैव एनी टाइप ऑफ लेग्स. ओके, सो नेक्स्ट इज एनिमल लाइक पोलर बियर्स लिव्स इन कोल्ड प्लेसेस. दे हैव थिक फेरी कॉट टू कीप देमसेल्फ वार्म. कि अब देखिए जो पोलर बियर है, पोलर बियर मीन्स जो ऐसे बियर्स जो बहुत ही हिली एरियाज जो होते हैं जहाँ पे स्नो होती है एवरी टाइम, वो पोलर बियर्स कहाँ पे रहते हैं? उस जगह पे रहते हैं. एंड पोलर बियर्स हैव अ थिक कोटिंग ऑन ऑफ देयर स्किन ऑन देमसेल्व्स. उनके पास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा मोटी जो कवरिंग होती है उनके ऊपर, हेयरी कवरिंग होती है जो उन्हें क्या रखती है, वार्म रखती है, मतलब गर्म रखती है सर्दियों में. ओके, सो पोलर बियर हैव अ थिक स्किन और थिक कोट ऑन देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वार्मनेस. सो प्रोटेक्ट फॉर कोल्डनेस. तो नेक्स्ट जो हमारे पास में क्या है, जो है नेक्स्ट जो हमारे पास में टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो है हमारे पास में कैमल. सो कैमल हमें पता है कि एज वी नो वी लिव इन राजस्थान, राजस्थान में रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कैमल्स फाउंड इन राजस्थान डिजर्ट एरियाज. ओके, सो कैमल इज मोस्टली फाउंड इन राजस्थान. सो फर्स्ट द स्किन ऑफ द डिजर्ट एनिमल्स इज थिक एंड लेस हेयरी. क्योंकि जो क्या होती है, जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, और क्या होती है, लेस हेयरी होती है, बिल्कुल कम हेयर्स होते हैं उन पर. नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स द डिजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. कि वे क्या करती है, मोटी अगर स्किन होने का यहाँ पे इसको क्या एडवांटेज मिल रहा है टेरेस्ट्रियल एनिमल कैमल को, कि जो मोटी लेयर है वो उसको गर्मियों में जो सनलाइट आ रही है या फिर जो सन की जो हीट है उससे सर्वाइव करने में हेल्प करती है. ओके, सो नेक्स्ट इज स्नेक्स लीजर्ड्स क्रोकोडाइल्स एंड फ्रॉग्स आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द आउटसाइड टेम्परेचर. सो जो हमारे पास में है क्रोकोडाइल लीजर्ड एंड स्नेक्स, ठीक है, लीजर्ड्स भी आपने देखे हुए, स्नेक्स भी देखे हुए, क्रोकोडाइल्स भी देखे हुए हैं. सो ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका जो खून होता है या जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है बहुत ज़्यादा. सो कोल्ड होने से मतलब क्या है कि जब बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा तभी इनका टेम्परेचर भी चेंज होगा. सो वो कैसे होगा वो अपने देखते हैं. व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड देयर इज नो फूड अराउंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स दीज एनिमल्स गो टू स्लीप. कि अब देखो अगर हमारे पास विंटर्स हैं, विंटर्स में क्या होगा, इनके पास में कोई भी फूड नहीं होता है. ओके, जैसे कि आप देखेंगे आपको सर्दियों में क्या है, नहीं दिखेंगे लिजर्ड्स या क्रोकोडाइल्स या फिर स्नेक्स जो है वो हमें सर्दियों में नहीं दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो भी, तो मोस्टली जो है वो स्नेक्स या लिजर्ड हमें नहीं दिखती हैं क्योंकि सर्दियों में मीन्स इन विंटर्स दे हैव नो फूड टू ईट, उनके पास में कोई फूड नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड जो है वो इंसेक्ट्स खाती है, और गर्मियों में इंसेक्ट्स होते हैं, सर्दियों में इतने इंसेक्ट्स नहीं होते हैं. ओके, सो लीजर्ड्स और ऐसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, विंटर में क्या होते हैं, स्लीप करने लग जाते हैं. मीन्स ड्यूरिंग द सेशन ऑफ विंटर दे गो टू स्लीप. वो क्या करेंगे, विंटर सेशन जब तक सर्दियां चलती हैं वो क्या करते हैं, सोने चले जाते हैं. ओके, दे गो टू स्लीप. एंड आफ्टर द समर्स, जब आपके पास में समर्स आ जाएंगी तो आपको क्या होता है, वो दोबारा अपनी स्लीप से बाहर आ जाते हैं और हमें आके बाहर आके वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं. ओके, सो दिस विंटर स्लीप्स कॉल्ड हाइबरनेशन. हाइबरनेशन मीन्स यू कैन सी हाइबरनेशन, इसका मतलब यहाँ पे है हाइबरनेशन का कि जो सर्दियों में जो वो स्लीप में चले जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइबरनेशन. ओके, सो नेक्स्ट इज ड्यूरिंग समर द टेम्परेचर इज वेरी हाई. समर के जब दिन आते हैं तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लाइक इन दीज डेज द टेम्परेचर इज वेरी हाई. सो दे गो टू डीप इन मड, द फेज इज कॉल्ड समर एस्टिवेशन, AESTIVATION. समर एस्टिवेशन मीन्स जब ये समर आ जाते तो इनको बहुत ज़्यादा क्या लगता है,
हॉट फील होता है, सो दे गो टू डीप इन द मड, मड के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं, सो दैट दे कैन फील कोल्ड. ओके, सो ये हमने किया आज के टॉपिक में सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की, ऐसे एनिमल्स जो हमारे पास में क्या है, जो लैंड पे रहते हैं. इसके हमने कई सारे टाइप्स किए, कई जो होते हैं क्रॉल करते हैं लाइक स्नेक्स, एंड कई जो होते हैं वॉक करते हैं या रन करते हैं वो होते हैं हॉर्सेस, काउज एंड दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ओके, और हमने क्या किया कि जो कोल्ड ब्लडेड जो हमारे पास में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं लाइक लीजर्ड, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड. इनका जो खून होता है या फिर ब्लड जो होता है वो बहुत कोल्ड होता है. सो दे गो टू स्लीप इन विंटर्स एंड दे एसिमिलेट, और यू कैन से एस्टिवेशन इन समर, मीन्स दे गो डीप डाउन इन द मड, मड के बिल्कुल अंदर चले जाते हैं डीप में, सो दैट दे कैन फील कोल्ड. ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो नेक्स्ट टाइप्स वी आर गोइंग टू कंसिडर इन आर नेक्स्ट लेक्चर. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.